जी गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं अर्चना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे फ्लोरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे ऑफिस हमने लिया था रेनोवेशन के लिए। हमें ऑफिस मिला है, चेकआउट कर सकते हैं आप। GK1 में पड़ता है, अर्चना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। ये ऊँची सी बिल्डिंग है, 6th फ्लोर पर हमें काम मिला है। तो मैं दिखाता हूँ फ्लोरिंग का काम आज यहाँ पर हो रहा है। फ्लोरिंग वाले भैया हमसे पहले पहुँच चुके हैं, आधे से ज़्यादा काम भैया ने कर दिया है। ये सारा काम हमने किया है। ये ट्रैक लाइटें वगैरह लगी हैं इसके अंदर, और बहुत बुरी हालत थी जब हमने इसको लिया था। तो फिलहाल इसमें फ्लोरिंग का काम चल रहा है। एसी वेसी सब इंस्टॉल करा दिए हैं, दो एसी लगा दिए हैं, और यहाँ पे भी ट्रैक लाइट, यहाँ पे भी ट्रैक लाइट। और ये फ्लोरिंग हमारी काम चालू है। भैया आए हैं फ्लोरिंग लगाने। भैया अपना नाम बता दो। रामू शर्मा। भैया क्या फ्लोरिंग का काम करते हो आप? हाँ जी। कब से कर रहे हो? 15 साल से भैया फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं। तो देखिए फिनिशिंग बिल्कुल बढ़िया। ये वुडन फ्लोर है, वुडन फ्लोर करते हैं लोग अपने घर में भी, होता है ऑफिस में भी करवाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, थोड़ा चीप प्राइस में। मार्बल वार्बल के काम से बंदा बच जाता है। तो ये पूरा एरिया कवर करना है। बाकी भैया से पूछते हैं, भैया आज हो जाएगा भैया पूरा ये? भैया कह रहे हैं पूरा हो जाएगा शाम तक, आधे से ज़्यादा तो हो भी गया है। ये फ्लोरिंग ऐसे होती है, इसके अंदर ये ग्रूव्स बने होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रूव होते हैं। ये ग्रूव एक दूसरे में जाके यहाँ पे फंस जाते हैं, और उसके बाद इसको सेट कर देते हैं। छोटी बड़ी काट काट के लगानी पड़ती है डिज़ाइन के लिए। साइड में यहाँ पे स्कॉटिंग लगेगी, और ये नीचे बिछाई जाती है थर्मोकोल की शीट वाइट कलर की, जिससे थोड़ा सा साउंड प्रूफ हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो ये थोड़ा साउंड कम करती है, आवाज़ नहीं आती जूतों की चलने में। पीछे की तरफ NDTV का ऑफिस है। इसके अंदर हमने बिजली का काम भी करवाया है, AC का भी करवा दिया है। पेंट का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप, पेंट का काम ऑलमोस्ट डन है। तो एक एक कोड जो होगा फाइनल उसको करवा देंगे, और मैं आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। हाँ जी, आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ ऐसे ही लग रही है लगने के बाद। ये है फ्लोरिंग, भैया वहाँ पर काम कर रहे हैं। बस एक साइड से अगर आपका वहाँ से पूरा, अगर आप स्टार्टिंग के हिसाब से उसको काट लेते हैं, एक तरफ से आपको बस थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद तो जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सीन है, बस प्लग करते जाओ। जैसे अभी ये भैया यहाँ पे कर रहे हैं प्लग, लॉक सिस्टम, मतलब भैया का कहना है लॉक सिस्टम होता है पूरा, लॉक की तरह आप लगाए जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हाँ, और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये अगर आपको खोलनी है तो ये खुल भी सकती है। हाँ, खोल के आप कहीं और भी लगा सकते हैं। और भैया इसकी सबसे बेकार बात क्या होती है? सबसे बेकार बात इसकी ये होती है कि अगर जैसे ये बीच का पीस खराब हो जाए तो आपको पूरी खोलनी पड़ेगी उस एक इकलौते पीस को चेंज करने के लिए। जैसे अगर आपका कोई बीच में जैसे कट लग जाता है या कुछ उड़ गया या खराब हो गया, तो आपको पूरी एक तरफ से खोलनी पड़ेगी, तभी जाके पीस चेंज होगा। आप उस पर्टिकुलर पीस को निकाल के चेंज नहीं कर। स्टार्टिंग लगाने के बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी हम इसको स्टार्टिंग इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाती है। अगर हम आज ही पूरा कर देंगे, अगर गलती से हवा भर गई तो सारी फ्लोरिंग हमें दोबारा उखाड़नी पड़ेगी, और वो फूल जाती है जगह जगह से। तो इसलिए मैंने बोला कि आज का दिन इसे छोड़ दो, कल आके इसकी स्कॉटिंग हम पूरी कर देंगे, देख लो आप। एंड बाकी जो भी इसका फाइनल रिजल्ट होगा मैं आपको कल दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। देखो भैया लगा रहे हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर ये ग्रूव बना हुआ है, ये ग्रूव इसके अंदर जाके स्टक हो जाएगा, और इसको ऐसे धक्का मार देते हैं। ये देखो धक्का मार दिया और ये जुड़ गया। अभी वाला पीस भैया आपको लगा के दिखाएंगे। ये देखो ये आगे से इसमें फंसाया पहले, और इसके बाद ये इसमें करके धक्का दे दिया, बस ये ऐसे जुड़ती चली जाती है। वहां से ये ऐसी जुड़ती हुई पूरी यहां तक चली जाएगी एंड तक। बस लास्ट में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पे फिर दोबारा स्कॉटिंग के लिए हमें ग्रूव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसी स्कॉटिंग को हम बीच में से 2 पीस करके उसको स्कॉटिंग को ऐसे 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 खड़ा करेंगे और कील से दीवार में ठोक देंगे। क्योंकि अगर दीवार वाली नॉर्मल छोड़ देंगे, स्कॉटिंग नहीं लगाएंगे, तो थोड़ा ऑड सा लगता है, तो इसलिए। हाँ, और भैया का कहना है कि रेडीमेड स्कॉटिंग भी आती है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो बनी बनाई आती है, बस काट काट के लगानी होती है। बट जो अच्छा उसमें गोला बना रहता है, अच्छा वो भैया का कहना है राउंड आती है, मैंने देखी नहीं है, भैया का काम है, भैया को पता है कैसे आती है।